हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ हरिद्वार के एक प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है पावन धाम शीश महल मंदिर, जो कांच की कलाकारी करके बनाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपने भारत में और भी कांच के ऐसे मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये उनसे यूनिक और सबसे अलग मंदिर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर में दर्शन करवाने वाला हूँ। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, मंदिर हरिद्वार में कहाँ पे है और इसकी टाइमिंग वगैरह क्या होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप करे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं मैं मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पावन धाम कांच का मंदिर शीश महल। तो कुछ ऐसा आपको गेट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग अंदर की तरफ आएंगे, आपको कुछ शॉपिंग के लिए शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप लोग धार्मिक सामान को खरीद सकते हैं। और ये मंदिर के अंदर एंट्री करते के साथ ही बनाई गई है, तो आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर के लिए, मंदिर के लिए। और आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की दीवारों में ऊपर की तरफ देख सकते हैं कितने सारे कोड्स लिखे गए हैं। और ऐसे कुछ आपको यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग और देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच गंगा माता की बहुत अच्छी प्रतिमा लगाई गई है, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी दर्शन करें, कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जय माँ गंगे लिखना ना भूले। और इस मंदिर को कांच की सुंदर नकाशियों से बनाया गया है, और यहाँ पे ऐसे ही लीजियन क्रिएट किया गया है, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग मूर्ति के दर्शन करेंगे, तो आपको कांच के अंदर बहुत सारी मूर्तियां नजर आएंगी। ऐसे लगेगा कि आपको पूरी सेना दिखाई दे रही है, ऐसा इल्यूजन यहाँ पे कांच के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो पंडित जी से अभी मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आप लोग कांच की एक तरफ देखेंगे, लेफ्ट या राइट साइड में दोनों साइड आपको मूर्तियां दिखाई देंगी, जो करीब 1108 होने वाली हैं। तो 1108 मूर्तियों के आप लोग दर्शन करेंगे। यहाँ पे हनुमान जी की भी ऐसी मूर्ति है, जिसको बोला जाता है हनुमान जी की सेना। तो मैं आपको आगे चल के उनके भी दर्शन कराऊंगा। और सबसे पहले देखो यहाँ की दीवारों पे कितनी ज़्यादा सुंदर नकाशी की गई है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं, तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आएं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और ये मंदिर हरिद्वार हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। आप लोग हर की पौड़ी से रिक्शा लेके यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। और मंदिर की दीवारों पर देख सकते हैं हर जगह कांच ही कांच लगा हुआ, ताकि आप लोग जहाँ भी देखें, जिस भी जगह पे देखें, आपको भगवान के ही दर्शन हो। तो आप लोग जहाँ भी नजर डालेंगे, आपको भगवान के ही दर्शन होने वाले इस मंदिर के अंदर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सामने की तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर कांच की नकाशी करके यहाँ पे रथ बनाया गया है। ये महाभारत वाला रथ है, तो अर्जुन वाला यहाँ पे रथ बना रखा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सामने आप कांच में देखेंगे, तो आपको ये भी 1108 ही रथ दिखाई देंगे। तो आपको ऐसे लगेगा कि महाभारत की यहाँ पे पूरी सेना आ चुकी है। इस मंदिर के अंदर कांच की नकाशियां तो की गई है, और ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट किया गया है, ताकि आपको ऐसा देखने में लगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी सेना आ चुकी है। तो इस रथ को भी देखोगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप लोग महाभारत के ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, और चारों तरफ आपके रथ ही रथ खड़े हैं, क्योंकि शीशे के अंदर से ऐसा ही दिखता है। और यहाँ पे जिस भी देवी देवता के आप लोग दर्शन करेंगे और कांच में देखेंगे, तो आपको पूरी सेना नजर आने वाली है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आएगी, तो आप लोग अपने साथ बच्चों को जरूर लेके आए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इस मंदिर में कोई टिकट नहीं लगती, एंट्री बिल्कुल फ्री है। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, 7 डेज ये मंदिर ओपन रहता है। और सामने देखो भोलेनाथ का आर्ट बना रखा है दीवार के ऊपर, ये टोटली कांच से बनाया गया है, बिल्कुल बारीक बारीक नकाशियां की गई हैं कांच के द्वारा यहाँ पे। और देखो चारों तरफ आपको दीवारें कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। इस मंदिर में आने के बाद तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, मुझे तो बहुत पसंद आया है मंदिर। मैंने पहली बार कोई ऐसा मंदिर देखा है, जो इतनी ज़्यादा सुंदर कांच की नकाशियाँ करके बनाया गया है। तो सामने की तरफ देख सकते हैं दुर्गा माता है, तो आप लोग कांच के अंदर देखेंगे, तो आपको चारों तरफ ये माता रानी दिखाई देंगी। ऐसे लगेगा बहुत सारी माता रानी यहाँ पे खड़ी हैं, तो पूरी की पूरी सेना दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको आगे चल के हनुमान जी के भी दर्शन कराता हूँ। तो ये देखो हनुमान जी आ गए, यहाँ पे आपको हनुमान जी की पूरी सेना दिखाई देगी। इस मंदिर को हनुमान जी की सेना वाला मंदिर भी कहा जाता है। और देखो मैंने आपको राइट साइड में दिखाया, वहाँ पे 1108 हनुमान जी खड़े, और लेफ्ट साइड में भी देखो शीशे के अंदर से पूरी आपको सेना दिखाई देगी। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपको राम दरबार भी देखने को मिलेगा, और राम दरबार का भी इल्यूजन आपको ऐसे ही दिखाई देगा शीशे में, जैसे कि बहुत सारे राम जी यहाँ पे खड़े हैं। और आप दर्शन करो शिव पार्वती जी के, देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति है। नीचे की तरफ फ्लोर के ऊपर जो मार्बल लगा रखा है, वो कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, और कांच देखो जो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट राइट दोनों साइड में आपको कांच ही कांच नजर आएगा। और आप लोग जैसे ही कांच के अंदर देखेंगे, तो आपको दूर दूर तक भगवान शिव और पार्वती जी ही नजर आएंगे। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है हरिद्वार में। अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं, तो इस मंदिर के अंदर जरूर आएं। इस वीडियो को सेव कर लेना, आपके फैमिली फ्रेंड्स या कुलीग कोई भी हरिद्वार घूमने के लिए आ रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आ सके। और वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना। और दोस्तों, जिस मंदिर के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इस मंदिर का नाम है पावन धाम
जो कि हनुमान जी को समर्पित है। और इस मंदिर के साथ में एक और शीश महल मंदिर है जिसका नाम है श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बनाया, आप लोग दोनों मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं जो बिल्कुल साथ साथ में ही बने हुए हैं, हनुमान जी और राम जी का। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको श्री राम दरबार शीश महल मंदिर की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत खूबसूरत मंदिर है। उस मंदिर के अंदर टिकट भी लगती है और वहाँ पे आपको सुंदर सुंदर झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी हुई। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्दी मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।